आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हम एक्सेल में एक फुल्ली डायनामिक सैलरी शीट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये सैलरी शीट फुल्ली ऑटोमेटेड होगी, मीन्स सारी चीजें फॉर्मुलेटेड होंगी और बहुत कम से कम चीजें हमें मैनुअली एंट्री करनी है। हाय, मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं ऑफिस फ्रीक। तो चलते हैं सीधा वीडियो की ओर और बाकी की चीजें वही कवर करते हैं। ये एक सैलरी शीट है जो मैंने एडवांस में क्रिएट किया हुआ है। सबसे पहले है सीरियल नंबर, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, बेसिक सैलरी, ज्वाइनिंग डेट। उसके बाद टोटल वर्किंग डेज है, अटेंडेंस, ओवर टाइम, सैलरी का डिडक्शंस है, अलावेंस है। जब हम राइट हैंड साइड में आते हैं तो नेट सैलरी है और ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन है। हमारे फॉर्मेट के बीच में सिटी का ऑप्शन है, जहां पर नॉन मेट्रोपॉलिटन और मेट्रोपॉलिटन का ऑप्शन है। हमारा TA, DA, CA और HRA मेट्रोपॉलिटन के हिसाब से ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा। यहां पर मंथ्स हैं जो कि ड्रॉपडाउन से मैनेज होंगे। ईयर्स को भी ड्रॉपडाउन से मैनेज किया जा सकता है। यहां पर टोटल प्रेजेंट डे की एंट्री करनी है हमें और यहां पर ओवर टाइम की एंट्री होगी और बाकी सारी चीजें जो हैं वो ऑटोमेटेड होंगी, मींस फुल्ली फॉर्मुलेटेड होंगी। 12 मंथ्स के लिए यहां 12 शीट्स हैं और एंड में एक कंसोलिडेटेड शीट है, मींस समरी। तो चलिए हम एक न्यू शीट बनाना स्टार्ट करते हैं। ये एक ब्लैंक फॉर्मेट है जो मैंने एडवांस में क्रिएट किया हुआ है। यहां हम सिर्फ फॉर्मूलाज देखेंगे और फॉर्मेट क्रिएट नहीं करेंगे, क्योंकि फॉर्मेट क्रिएट करने में काफी ज्यादा टाइम जाता है। यहां हमारे दो शीट हैं। फर्स्ट शीट है हमारा सेटिंग शीट का, जहां हमारे मंथ्स हैं जैन से लेकर दिसंबर तक और ईयर्स हैं। उसके बाद ग्रेच्युटी, ईपीएफ का परसेंटेज, ईएसआईसी का परसेंटेज, मेडिकल का अमाउंट और प्रोफेशनल टैक्स का अमाउंट है। उसके बाद TA, DA, CA और HRA है, जो कि मेट्रोपॉलिटन और नॉन मेट्रोपॉलिटन के अलग अलग हैं। उसके बाद यहाँ हमारा एम्प्लॉय डिटेल्स है, जिसमें मैंने एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, बेसिक सैलरी और ज्वाइनिंग डेट लिया हुआ है। ये शीट हम कुछ इस तरीके से रेडी करने वाले हैं या प्रिपेयर करने वाले हैं कि अगर हमें कुछ चेंजेस की जरूरत पड़ेगी तो हम सेटिंग शीट में चेंजेस करेंगे, ना कि अपने मेन फॉर्मेट में। जब हम सेटिंग शीट में कोई चेंजेस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हमारे फॉर्मेट में रिफ्लेक्ट होगा या फिर नजर आएगा। फॉर्मूलाज यूज करने से पहले हम देख लेंगे कि यहाँ कौन कौन से हेडिंग्स मैंने लिए हुए हैं। सबसे पहले है सीरियल नंबर, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, बेसिक सैलरी, ज्वाइनिंग डेट, टोटल वर्किंग डेज, मींस एक महीने में कितने वर्किंग डेज हैं, टोटल पेड डेज, मींस अटेंडेंस हम यहां पर नोट डाउन करेंगे, टोटल ओवर टाइम इन आवर्स, मींस एक एम्प्लॉय ने कितने घंटे ओवर टाइम किया हुआ है। उसके बाद हमारी यहां कैलकुलेशंस होंगी, सैलरी एज पर अटेंडेंस। उसके बाद अलाउंस का हेड है TA, DA, CA, HRA। अगर आपकी कंपनी में कुछ और अलाउंस हैं तो आप यहां पर इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद ग्रॉस सैलरी की कैलकुलेशन होगी। जब हम राइट साइड में आते हैं तो यहां पर डिडक्शंस हैं, जैसे ईपीएफ, ईएसआईसी, मेडिकल और प्रोफेशनल टैक्स। उसके बाद हम नेट सैलरी इन हैंड कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन होगी, जिसमें दो चीजें होंगी, नंबर ऑफ ईयर्स और ग्रेच्युटी कैलकुलेशंस। हम आते हैं लेफ्ट साइड में, सैलरी शीट फॉर द मंथ ऑफ। हम यहां ड्रॉपडाउन क्रिएट करेंगे मंथ्स और ईयर का। मैंने यहां क्लिक किया। अब हम जाएंगे डेटा में, डेटा वैलिडेशन, यहां से हम सेलेक्ट करेंगे लिस्ट, हम क्लिक करेंगे यहां और हम जाएंगे अपने सेटिंग शीट में और हम यहां जनवरी से लेकर दिसंबर तक सेलेक्ट कर लेंगे। हम क्लिक करेंगे यहां और हम करेंगे ओके। हमारे मंथ्स का ड्रॉपडाउन क्रिएट हो चुका है। हम सेलेक्ट करेंगे जनवरी, जनवरी के जस्ट आगे हम क्लिक करेंगे, वापस जाएंगे डेटा में, डेटा वैलिडेशन, यहां से हम सेलेक्ट करेंगे लिस्ट, हम क्लिक करेंगे यहां, जाएंगे सेटिंग शीट में और हम यहां से सेलेक्ट करेंगे ईयर्स, वापस हम यहां क्लिक करेंगे और हम करेंगे ओके। तो हमारे ईयर्स के ड्रॉपडाउन भी क्रिएट हो चुके हैं। हम सेलेक्ट करेंगे 2024। सिटी, हमें यहां मेट्रोपॉलिटन और नॉन मेट्रोपॉलिटन का ड्रॉपडाउन क्रिएट करना है। हम जाएंगे डेटा में, डेटा वैलिडेशन, सेलेक्ट करेंगे हम लिस्ट, हम क्लिक करेंगे यहां, हम जाएंगे सेटिंग शीट में और यहां से मेट्रोपॉलिटन और नॉन मेट्रोपॉलिटन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम करेंगे ओके। तो हमारा यहां ड्रॉपडाउन क्रिएट हो चुका है। हम सेलेक्ट करेंगे मेट्रोपॉलिटन। एम्प्लॉय आईडी, आप चाहें तो यहां एम्प्लॉय आईडी मैनुअली एंटर कर सकते हैं या फिर आप इसे अपने सेटिंग शीट से कनेक्ट कर सकते हैं। मैं यहां सेटिंग शीट से कनेक्ट करूंगा, प्लस या फिर इक्वल टू, हम जाएंगे सेटिंग शीट में और हम क्लिक करेंगे फर्स्ट एम्प्लॉय के आईडी पे और हम करेंगे एंटर। अब हम इसे नीचे तक ड्रैग कर देंगे। एम्प्लॉय नेम, हम यहां वी लुकअप का फॉर्मूला या फिर फंक्शन यूज करने वाले हैं, प्लस या फिर इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू,
हम एम्प्लॉय आईडी को एज अ लुकअप वैल्यू लेंगे। हमारा फर्स्ट एम्प्लॉय आईडी है C6 में, हम C के पहले डॉलर इंसर्ट करेंगे, कॉमा टेबल RA, हम जाएंगे अपने सेटिंग शीट में और हम सेलेक्ट कर लेंगे एम्प्लॉय आईडी से लेके ज्वाइनिंग डेट तक। हम प्रेस करेंगे फंक्शन F4 या फिर F4, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, एम्प्लॉय नेम है हमारा कॉलम नंबर 2 में, एम्प्लॉय आईडी कॉलम नंबर 1 में है और एम्प्लॉय नेम कॉलम नंबर 2 में है, इसलिए हम 2 इंसर्ट करेंगे, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और हम एंटर प्रेस करेंगे। हमारा यहाँ एम्प्लॉय नेम आ चुका है। वी लुकअप के पहले मैं इफ एरर का फॉर्मूला यूज करूंगा ताकि अगर हमारा सेटिंग शीट में कोई डेटा ब्लैंक हो तो कोई एरर नजर ना आए। इफ एरर ब्रैकेट ओपन, हम आएंगे एंड में, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार, हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर हिट करेंगे। अब हम इसे राइट में ड्रैग कर देंगे ज्वाइनिंग डेट तक। यहाँ एम्प्लॉय का नाम नजर आ रहा है तो हमें यहाँ कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज करना होगा। ये है हमारा 3, ये है हमारा 4 और ये है 5। हम इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे और सेंटर में ले लेंगे। ज्वाइनिंग डेट, इस नंबर को हम डेट फॉर्मेट में चेंज करेंगे। हम राइट क्लिक करेंगे माउस को, जाएंगे फॉर्मेट सेल्स में, इसे हम ले लेंगे ऊपर डेट और हम एक डिजायर्ड डेट फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, ज्वाइनिंग डेट यहाँ नजर आ रहा है 1 जनवरी 2019, हमें जनवरी की जगह सिर्फ जैन चाहिए। हम राइट क्लिक करेंगे माउस को, जाएंगे फॉर्मेट सेल्स में, कस्टम, यहाँ पर 4M नजर आ रहा है, MMMM, हम 1M को डिलीट कर देंगे और करेंगे ओके। तो यहाँ 1 जनवरी 2019 आ चुका है। अब हम इन सभी को सेलेक्ट करेंगे और इसे नीचे तक ड्रैग कर देंगे। टोटल वर्किंग डेज, टोटल वर्किंग डेज का हमारा फॉर्मूला होगा प्लस या फिर इक्वल टू डे ब्रैकेट ओपन ईओ मंथ मींस एंड ऑफ द मंथ ब्रैकेट ओपन, हम सेलेक्ट करेंगे मंथ, प्रेस करेंगे फंक्शन F4 एंड हम सेलेक्ट करेंगे ईयर, प्रेस करेंगे फंक्शन F4, कॉमा 0, हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे 2 बार और एंटर हिट करेंगे या फिर एंटर प्रेस करेंगे। हम इसे नीचे तक ड्रैग कर देंगे। आप देखेंगे कि जहां एम्प्लॉय का डेटा नहीं है वहां भी 31 डेज नजर आ रहे हैं। हम एक काम करेंगे, हम यहां इफ का क्राइटेरिया भी इंसर्ट कर देंगे। इफ ब्रैकेट ओपन एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 0, कॉमा, अगर ये 0 हो तो हमें 0 ही नजर आना चाहिए, तो हम 0 फिर से इंसर्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, एंड में आएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब हम इसे नीचे तक ड्रैग कर देंगे। ये जनवरी का मंथ है इसलिए यहाँ 31 डेज नजर आ रहा है। जब ये फरवरी होगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली 28 या फिर 29 डेज नजर आएगा। 2024 लीप ईयर है इसलिए यहाँ पर 29 डेज नजर आ रहा है। हम इसे वापस जनवरी कर देते हैं। टोटल पेड डेज अटेंडेंस मींस हमें यहाँ अपना अटेंडेंस इंसर्ट करना है। दो चीजों की एंट्री मैनुअली होगी, अटेंडेंस की और ओवर टाइम आवर्स की मींस ओवर टाइम घंटों की। हम इसे सेलेक्ट करेंगे और कोई लाइट सा कलर दे देंगे। टोटल पेड डेज मींस अटेंडेंस का हम एक रैंडम नंबर ले लेते हैं 26 डेज और इसे हम नीचे तक ड्रैग कर देते हैं। टोटल ओवर टाइम घंटों में हमें लेना है, उसका भी हम मैनुअली एंट्री कर लेते हैं, कुछ रैंडम फिगर्स हम ले लेते हैं। सैलरी एज पर अटेंडेंस फॉर्मूला होगा हमारा प्लस या फिर इक्वल टू बेसिक सैलरी डिवाइडेड बाई टोटल वर्किंग डेज। तो ये हमारे एक दिन की सैलरी आ गई, इसे हम ब्रैकेट में ले लेंगे, इनटू टोटल अटेंडेंस, एंटर। तो ये हमारे 26 डेज की सैलरी आ गई। हमें इसमें ओवर टाइम भी ऐड करना है। हम अपने फॉर्मूला को कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी या कमांड सी, इसे ब्रैकेट में कर लेंगे हम, प्लस फॉर्मूला जो हमने कॉपी किया था उसे हम पेस्ट करेंगे। I6 को हम यहां से डिलीट करेंगे। F6 डिवाइडेड बाई H6, ये हमारे एक दिन की सैलरी है, इसे हम डिवाइड करेंगे 9 से क्योंकि हमारे एक दिन का वर्किंग आवर्स है 9। अगर आपकी कंपनी में 8 घंटे का ही वर्किंग आवर्स है तो आप उसे 8 से डिवाइड कर सकते हैं। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इनटू टोटल जो हमारा ओवर टाइम आवर्स है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे और हम एंटर प्रेस करेंगे। इसे हम नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं। जहां हमारा डेटा नहीं है वहां हमारा वैल्यू एरर नजर आ रहा है, उसको रिमूव करने के लिए हम इफ का कंडीशन यूज करेंगे। इफ ब्रैकेट ओपन टोटल अटेंडेंस
इज इक्वल टू ब्लैंक, ब्लैंक के लिए हम डबल इन्वर्टेड कॉमा दो बार इंसर्ट करेंगे, कॉमा अगर ये ब्लैंक हो तो हमें जीरो नजर आना चाहिए, हम प्रेस करेंगे जीरो, कॉमा एंड में आएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब हम इसे नीचे तक ड्रैग कर देंगे। अगर हमारा अटेंडेंस जीरो है तो ये चीजें भी हमारी जीरो नजर आएंगी। इसे मैं डिलीट करता हूं और ये देखिए सारी चीजें जीरो हो चुकी हैं। मैं इसे अंडू करता हूं, कंट्रोल जेड या फिर कमांड जेड। अब हम कैलकुलेट करेंगे अपने अलाउंस, जैसे टी ए, डी ए, सी ए और एच आर ए। बट इन कैलकुलेशन से पहले हमें यहां कुछ फॉर्मूलाज यूज करने होंगे। अगर मेट्रोपॉलिटन हो तो परसेंटेज अलग होंगे और अगर नॉन मेट्रोपॉलिटन हो तो परसेंटेज अलग होंगे। हम यहां इफ का क्राइटेरिया यूज करेंगे, प्लस या फिर इक्वल टू, इफ ब्रैकेट ओपन आई थ्री, प्रेस करेंगे फंक्शन एफ फोर और हमारा सेल लॉक हो जाएगा, इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा मेट्रोपॉलिटन डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा। अगर मेट्रोपॉलिटन हो तो क्या नजर आना चाहिए, हम जाएंगे सेटिंग शीट में और यहां से सिलेक्ट करेंगे 12%, हम प्रेस करेंगे फंक्शन एफ फोर और हमारा सेल लॉक हो जाएगा, कॉमा अगर नॉन मेट्रोपॉलिटन हो तो क्या नजर आना चाहिए 10%, हम वापस प्रेस करेंगे फंक्शन एफ फोर, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब हमें इसे ड्रैग करना है, लेकिन ड्रैग करने से पहले हम यहां से डॉलर रिमूव कर देंगे सेंटर से, एंटर। अब हम इसे एचआरए तक ड्रैग कर लेंगे। तो यहां सारे परसेंटेज आ चुके हैं, मेट्रोपॉलिटन है तो हमारा यहां नजर आ रहा है 12%, 12%, 12% और 20%। हम इसे कर देते हैं नॉन मेट्रोपॉलिटन तो यहां पर फिगर्स हो चुके हैं 10%, 10%, 10% और 15%। मैं इसे मेट्रोपॉलिटन रखता हूं। अब हम अलावेंस का फॉर्मूला इंसर्ट करेंगे, टी ए फॉर्मूला हमारा होगा प्लस या फिर इक्वल टू बेसिक सैलरी, हम इंसर्ट करेंगे डॉलर एफ के पहले, इनटू टी ए परसेंट, हम एल और फाइव के बीच में डॉलर इंसर्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। इसे हम राइट तक ड्रैग कर देंगे और नीचे तक ड्रैग कर लेंगे। हमारा यहां वैल्यू एरर नजर आ रहा है, इसको रिमूव करने के लिए हम इफ का क्राइटेरिया यूज करेंगे। हम जाएंगे फॉर्मूला बार में, इफ ब्रैकेट ओपन टोटल अटेंडेंस इज इक्वल टू ब्लैंक, ब्लैंक के लिए हम डबल इन्वर्टेड कॉमा दो बार इंसर्ट करेंगे, कॉमा जीरो, कॉमा हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, हम आएंगे इफ के जस्ट बाद आई सिक्स में, हम यहां डॉलर इंसर्ट करेंगे आई के जस्ट पहले और एंटर प्रेस करेंगे। अब हम इसे राइट तक ड्रैग कर लेंगे और नीचे तक भी ड्रैग कर देंगे तो हमारा यहां एरर रिमूव हो चुका है। ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी हमारी क्या होगी, प्लस या फिर इक्वल टू सैलरी एज पर अटेंडेंस प्लस टी ए प्लस डी ए प्लस सी ए प्लस एच आर ए और हम एंटर प्रेस करेंगे। जहां भी हम इफ का क्राइटेरिया यूज कर लेंगे ताकि कोई एरर नजर ना आए, इफ ब्रैकेट ओपन टोटल पेड डेज मींस अटेंडेंस इज इक्वल टू ब्लैंक, ब्लैंक के लिए डबल इन्वर्टेड कॉमा दो बार यूज करेंगे, कॉमा जीरो, कॉमा एंड में आएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब हम इसे नीचे तक ड्रैग कर देंगे। आप एक चीज गौर करेंगे कि जब मैं यहां से अटेंडेंस रिमूव करूंगा तो सारी चीजें हमारी जीरो हो जाएंगी। मैं इसे अंडू करूंगा, कंट्रोल जेड या फिर कमांड जेड। अब हम कैलकुलेशंस करेंगे अपने डिडक्शंस की, मींस ईपीएफ, ईएसआईसी, मेडिकल और प्रोफेशनल टैक्स की। ईपीएफ प्लस या फिर इक्वल टू, मैं जाऊंगा सेटिंग शीट में और यहां से सेलेक्ट करूंगा 13%, एंटर। मैंने सारे फिगर्स रैंडम लिए हुए हैं, आप अपने कंपनी पॉलिसी या फिर कंट्री पॉलिसी के हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। ईएसआईसी प्लस या फिर इक्वल टू, सेटिंग शीट में जाएंगे और यहां से ईएसआईसी सेलेक्ट करेंगे 0.75%। मेडिकल प्लस या फिर इक्वल टू, सेटिंग शीट में जाएंगे और यहां से सेलेक्ट करेंगे मेडिकल 1250, एंटर। प्रोफेशनल टैक्स प्लस या फिर इक्वल टू, सेटिंग शीट में जाएंगे और यहां से 200 सेलेक्ट करके एंटर करेंगे। तो यहां सारे फिगर्स हमारे आ चुके हैं। हम आ जाते हैं राइट साइड में, ईपीएफ हमारा फॉर्मूला होगा प्लस या फिर इक्वल टू सैलरी एज पर अटेंडेंस इनटू ईपीएफ परसेंटेज, हम प्रेस करेंगे फंक्शन एफ फोर और हमारा ईपीएफ का जो परसेंटेज है वो लॉक हो जाएगा, हम प्रेस करेंगे एंटर। यहां भी हम इफ का क्राइटेरिया यूज कर लेंगे ताकि जहां हमारे वैल्यूज नहीं है लेफ्ट साइड में वहां पर कोई एरर नजर ना आए।
हम जाएंगे फॉर्मूला बार में, इफ ब्रैकेट ओपन टोटल अटेंडेंस इज इक्वल टू ब्लैंक, ब्लैंक के लिए डबल इन्वर्टेड कॉमा दो बार इंसर्ट करेंगे, कॉमा अगर ब्लैंक हो तो हमें चाहिए जीरो, कॉमा हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब हम इसे नीचे तक ड्रैग कर लेंगे, ईएसआईसी फॉर्मूला हमारा सेम होगा, प्लस या फिर इक्वल टू सैलरी एज पर अटेंडेंस इंटू ईएसआईसी परसेंटेज, फंक्शन F4 प्रेस करेंगे और एंटर हिट करेंगे। हम वापस क्लिक करेंगे इस नंबर पे, जाएंगे फॉर्मूला बार में और इफ का क्राइटेरिया यूज कर लेंगे, इफ टोटल अटेंडेंस इज इक्वल टू ब्लैंक कॉमा, अगर ब्लैंक हो तो हमें क्या चाहिए जीरो, कॉमा एंड में आएंगे ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब हम इसे नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं। ईएसआईसी में एक क्राइटेरिया ये भी है कि अगर सैलरी 21,000 से नीचे है तभी ईएसआईसी डिडक्ट होगा, अदरवाइज मेडिकल डिडक्ट होगा। हम जाते हैं अपने फॉर्मेट में और यहां इफ का क्राइटेरिया इंसर्ट करते हैं, इफ ब्रैकेट ओपन बेसिक सैलरी इज स्मॉलर देन, हम जाएंगे सेटिंग शीट में और यहां से सेलेक्ट करेंगे सैलरी बिलो 21,000, प्रेस करेंगे फंक्शन F4 और हमारा सेल लॉक हो जाएगा, कॉमा अगर बेसिक सैलरी 21,000 से नीचे है तब हमारा 0.75 डिडक्ट होना चाहिए, अदरवाइज हमारा नजर आना चाहिए जीरो, हम आएंगे एंड में कॉमा जीरो, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब हम इसे नीचे तक ड्रैग कर लेंगे। तो जिन इंप्लॉयज की सैलरी 21,000 से ऊपर है उनका ईएसआईसी डिडक्ट नहीं हो रहा है। मेडिकल, मेडिकल के साथ भी एक क्राइटेरिया है, सैलरी 21,000 से ऊपर होगी तभी मेडिकल डिडक्ट होगा। आएंगे हम अपने फॉर्मेट में और यहाँ फॉर्मूला इंसर्ट करेंगे, प्लस या फिर इक्वल टू हम मेडिकल को सिलेक्ट करेंगे, प्रेस करेंगे फंक्शन F4 और एंटर प्रेस करेंगे। तो ये हमारा मेडिकल आ चुका है। अब हम इफ का क्राइटेरिया यूज करेंगे, फॉर्मूला बार में जाएंगे, इफ ब्रैकेट ओपन बेसिक सैलरी इज ग्रेटर देन, जाएंगे सेटिंग शीट में, अगर बेसिक सैलरी 21,000 या फिर उससे ज्यादा होगी तभी हमारा मेडिकल डिडक्ट होगा, प्रेस करेंगे फंक्शन F4 और हमारा सेल लॉक हो जाएगा, कॉमा एंड में आएंगे कॉमा जीरो, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहां हमारा 1250 का फिगर आ चुका है, इसे हम नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं। आप गौर करेंगे कि लेफ्ट साइड में जहां एम्प्लॉय के डिटेल्स नहीं है वहां भी 1250 नजर आ रहा है। हम यहां इफ का एक और क्राइटेरिया यूज कर लेते हैं, इफ ब्रैकेट ओपन अटेंडेंस इज इक्वल टू ब्लैंक, ब्लैंक के लिए डबल इन्वर्टेड कॉमा दो बार यूज करेंगे, कॉमा अगर ये ब्लैंक हो तो हमें चाहिए जीरो, कॉमा हम आएंगे एंड में ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब हम इसे नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं। प्रोफेशनल टैक्स, सारे एम्प्लॉयज का प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट होता है इसलिए हम इसे 200 ले लेंगे सभी के लिए, प्लस या फिर इक्वल टू ये फिगर ले लेंगे, फंक्शन F4 प्रेस करेंगे और हमारा सेल लॉक हो जाएगा और हम एंटर हिट करेंगे। यहां भी हमें इफ का क्राइटेरिया यूज करना होगा, इफ ब्रैकेट ओपन अटेंडेंस इज इक्वल टू ब्लैंक कॉमा, अगर ब्लैंक हो तो हमें चाहिए जीरो, कॉमा हम एंड में आएंगे ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब हम इसे नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं। एक बार मैं अटेंडेंस डिलीट करके देखता हूं कि सारे फिगर्स हमारे जीरो होते हैं या नहीं। परफेक्ट, सारी चीजें जीरो हो जा रही। नेट सैलरी इन हैंड, नेट सैलरी इन हैंड हमारी क्या होगी, प्लस या फिर इक्वल टू ग्रॉस सैलरी माइनस ईपीएफ माइनस ईएसआईसी माइनस मेडिकल माइनस प्रोफेशनल टैक्स और हम एंटर प्रेस करेंगे। नीचे ड्रैग करने से पहले इफ का क्राइटेरिया यूज कर लेंगे, जाएंगे फॉर्मूला बार में, इफ ब्रैकेट ओपन अटेंडेंस इज इक्वल टू ब्लैंक कॉमा, अगर ब्लैंक हो तो हमें जीरो चाहिए, कॉमा एंड में आएंगे ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब हम इसे नीचे तक ड्रैग कर देंगे। ग्रेच्युटी, ग्रेच्युटी में हमें दो चीजें कैलकुलेट करनी है, नंबर ऑफ ईयर्स और ग्रेच्युटी कैलकुलेशन। नंबर ऑफ ईयर्स मतलब एक एम्प्लॉय ने एक कंपनी में कितने साल काम किया है। हर एक कंपनी और हर एक कंट्रीज की अलग अलग पॉलिसीज होती हैं ग्रेच्युटी की। मैंने एक रैंडम फिगर्स लिया है कि अगर कोई एम्प्लॉय 5 साल या उससे ज्यादा काम करता है तभी उसे ग्रेच्युटी मिलेगी। अगर आपकी कंपनी में पॉलिसी अलग है तो आप अपने ईयर्स यहाँ पर चेंज कर सकते हैं।
अब देखेंगे कि यहाँ 5 ईयर्स और मोर मैंने लिखा हुआ है और यहाँ है ग्रेच्युटी 15 डेज, जबकि ये एक नंबर है। मैंने कस्टम फॉर्मेट करके इसे चेंज किया हुआ है। इसे मैंने कैसे चेंज किया है मैं आपको शो कर देता हूँ। मैं क्लिक करूँगा यहाँ, जाऊँगा होम में और कस्टम को मैं कर दूंगा जनरल फॉर्मेट। तो यहाँ 5 नज़र आ रहा है, इसे भी मैं जनरल फॉर्मेट कर देता हूँ। हम क्लिक करेंगे 5 पे, राइट क्लिक करेंगे माउस को, हम जाएंगे फॉर्मेट सेल्स में, इसे हम ले लेते हैं ऊपर, जाएंगे कस्टम में, जनरल को रिमूव करेंगे, हैस स्पेस डबल इन्वर्टेड कॉमा ईयर्स और मोर, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे और करेंगे ओके। तो यहाँ हो चुका हमारा 5 ईयर्स और मोर। 15 के साथ भी हम वही करेंगे, 15 पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे माउस को, फॉर्मेट सेल्स, इसे हम ऊपर ले लेते हैं, कस्टम में जाएंगे, जनरल को रिमूव करेंगे और टाइप करेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा ग्रेच्युटी डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज स्पेस हैस स्पेस डबल इन्वर्टेड कॉमा डेज डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और हम करेंगे ओके। तो यहाँ हो चुका ग्रेच्युटी 15 डेज। अब हम इंसर्ट करेंगे अपना फॉर्मूला, नंबर ऑफ ईयर्स प्लस या फिर इक्वल टू टूडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज माइनस ज्वाइनिंग डेट, हम एंटर क्लिक करेंगे। तो यहाँ हमारा नंबर ऑफ डेज आ चुका है, हम इसे ले लेते हैं ब्रैकेट में। ईयर्स के लिए हम इसे डिवाइड कर देंगे 365 डेज से, डिवाइडेड बाई 365 और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ हमारा आ चुका है 4.97 डेज, इसे हम नीचे तक ड्रैग कर देते हैं। एरर, एरर को रिमूव करने के लिए हम क्लिक करेंगे फर्स्ट सेल में, हम जाएंगे फॉर्मूला बार में और इफ का क्राइटेरिया इंसर्ट करेंगे। इफ ब्रैकेट ओपन ज्वाइनिंग डेट इज इक्वल टू ब्लैंक कॉमा, अगर ब्लैंक हो तो हमें जीरो नजर आना चाहिए, तो हम प्रेस करेंगे जीरो कॉमा, एंड में आएंगे ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब हम इसे नीचे तक ड्रैग कर लेंगे। अगर आप इन नंबर्स को राउंड फिगर में रखना चाहते हैं तो आप इन्हें रख सकते हैं। अब हम कैलकुलेशन करेंगे ग्रेच्युटी का, प्लस या फिर इक्वल टू बेसिक सैलरी डिवाइडेड बाय टोटल वर्किंग डेज इनटू 15 डेज, मल्टीप्लाई करेंगे ग्रेच्युटी जो कि कंपनी 15 डेज के लिए देती है, मीन्स एक महीने में 15 डेज ही ग्रेच्युटी अलाउड है। किसी किसी कंपनी में 12 डेज की भी पॉलिसी है, तो आप अपनी कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से यहाँ चेंजेस कर सकते हैं। प्रेस करेंगे फंक्शन F4 और हमारा सेल लॉक हो जाएगा। इनटू नंबर ऑफ इयर्स, एम्प्लॉय ने उस कंपनी में कितने साल काम किया, और हम एंटर प्रेस करेंगे। तो यह हमारा ग्रेच्युटी आ चुका है, लेकिन कंपनी की पॉलिसी है कि अगर 5 साल या उससे ज्यादा हो तभी ग्रेच्युटी मिलना चाहिए, जबकि यहाँ 5 ईयर्स नहीं हुए हैं फिर भी ग्रेच्युटी शो कर रहा है। जब हम इसे नीचे तक ड्रैग करते हैं तो आप देखिए जिन एम्प्लॉयज ने 5 ईयर्स कंप्लीट नहीं किए उनका भी ग्रेच्युटी शो कर रहा है। तो हम यहाँ इफ का क्राइटेरिया यूज करेंगे, फर्स्ट एम्प्लॉय के ग्रेच्युटी पे हम क्लिक करेंगे, हम जाएंगे अपने फॉर्मूला बार में और इफ का क्राइटेरिया यूज करेंगे। इफ ब्रैकेट ओपन नंबर ऑफ ईयर्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 ईयर्स, प्रेस करेंगे फंक्शन F4 और हमारा सेल लॉक हो जाएगा। कॉमा, अगर 5 साल या उससे ज्यादा है तभी ग्रेच्युटी मिलना चाहिए, एंड में आएंगे कॉमा, अगर 5 साल या उससे ज्यादा नहीं हो तो जीरो नजर आना चाहिए, हम यहां करेंगे जीरो, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। हमारा यहां जीरो नजर आ चुका है, हम नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं तो सारे फिगर्स हमारे यहां हो चुके हैं। एक बार हम अटेंडेंस को डिलीट करके देख लेते हैं, सारी चीजें हमारी यहां जीरो हैं एक्सेप्ट ग्रेच्युटी के। परफेक्ट, हम आएंगे लेफ्ट साइड में, यहां हमें टोटल का फॉर्मूला यूज करना है, प्लस या फिर इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, हम सेलेक्ट कर लेंगे फर्स्ट एम्प्लॉय से लास्ट एम्प्लॉय तक, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब हम इसे एंड तक ड्रैग कर लेते हैं। अब हम 12 मंथ्स के लिए 12 शीट क्रिएट करेंगे, हम क्लिक करेंगे जनवरी पे, राइट क्लिक करेंगे माउस को, मूव और कॉपी, इसे ऊपर ले लेते हैं, मूव टू एंड क्रिएट अ कॉपी ओके। अब हम इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट प्रेस करके, राइट क्लिक करेंगे माउस को, मूव और कॉपी, मूव टू एंड क्रिएट अ कॉपी ओके। इसी तरीके से हम 12 मंथ्स के लिए 12 शीट क्रिएट कर देंगे। 12 मंथ्स के लिए 12 शीट क्रिएट हो चुका है, हम एक शीट और क्रिएट कर लेंगे कंसोलिडेटेड या फिर समरी के लिए।
अब हम इसे रीनेम कर लेंगे। ये हो गया जनवरी, ये हो जाएगा हमारा फरवरी, मार्च, और हम दिसंबर तक रीनेम कर लेंगे, और ये हमारा हो जाएगा कंसोलिडेटेड या फिर समरी। कंसोलिडेटेड में हम इसे डिलीट कर देंगे और हम सारे फॉर्मूलाज को भी डिलीट कर देंगे। जनवरी, ये हमारा जनवरी का शीट हो गया, ये हो गया हमारा फरवरी का, हम यहाँ से मंथ चेंज कर देंगे, फरवरी, मार्च, और इसी तरीके से हम दिसंबर तक चेंज कर लेंगे। हमारे सारे चेंजेस हो चुके हैं, अब हम आते हैं अपने समरी में या फिर कंसोलिडेटेड में। टोटल वर्किंग डेज प्लस या फिर इक्वल टू, हम जाएंगे जनवरी के शीट में और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे टोटल वर्किंग डेज, प्लस फरवरी सेलेक्ट करेंगे टोटल वर्किंग डेज, प्लस मार्च, और इसी तरीके से हम दिसंबर तक सेलेक्ट कर लेंगे और हम एंटर प्रेस करेंगे। अब हम इसे ड्रैग कर लेते हैं नीचे तक और राइट हैंड साइड में हम ड्रैग कर लेंगे इसे नेट सैलरी तक। ग्रेजुटी, ग्रेजुटी में हम सारे मंथ्स को कनेक्ट नहीं करने वाले हैं, इसमें हम ले लेंगे दिसंबर के फिगर्स, प्लस या फिर इक्वल टू, हम जाएंगे दिसंबर में, आएंगे हम राइट साइड में और क्लिक करेंगे यहाँ एंटर, इसे हम ड्रैग करेंगे राइट साइड में और नीचे तक इसे हम ड्रैग कर देंगे। हम डेसिमल्स को रिमूव कर लेते हैं, यहाँ से भी हम सारे डेसिमल्स को रिमूव कर लेंगे। तो हमारा फॉर्मेट अब रेडी है। मैं इस फॉर्मेट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, इनकेस आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहां से आराम से कर सकते हैं। आई एम श्योर कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड बी बेटर देन यस्टरडे। थैंक यू।